गणेश प्रथमेश तुम्ही हो, गणों के ईश गणेश तुम्ही हो, शिव जी पार्वती के दुलारे, बुद्धि के दाता अष्ट विनायक, श्री गणेश जग के सुखदायक, सबके बिगड़े काम बनाए, देव ऋषि सभी करते वंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, तीनों लोक के भाग्य विधाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, श्री गणेश प्रभु अंतर्यामी, शुभ लाभ है पुत्र तुम्हारे, सभी जनों को लगते प्यारे, मोदक प्रिय है मुषक सवारी, गणाध्यक्ष प्रभु मंगलकारी, एक दंत शशि भाल गजानन, शिप स्वर्ण मुकुट अति प्यारी, तुम हो स्वामी चतुर्भुज धारी, कर में परसु कमल कुठा, मदासुर उत्पात मचाया, इंद्र को युद्ध में उसने हराया, स्वर्ग में आधिपत्य जमाया, देव तरिषि मुनि सभी पुकारे, आन हरो प्रभु कष्ट हमारे, श्री गणेश ना देर लगाओ, मदासुर से हमें बचाओ, देवताओं की सुन के पुकार, आपने प्रभु लिया अवतार, एक दंत के रूप में आए, क्रोधित रूप देख घबराया, असुर मदासुर शरण में आया, बोला चूप क्षमा कर दीजे, हमको अपने शरण में लीजे, श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, सबके कारज सिद्ध करो देहु अभय वरदान, श्री गणेश प्रभु दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, श्री गणेश का गुण जो गाते, जया विजया गौरा की सहेली, जल क्रीड़ा करते समय दोनों बोली, अनजाने में कोई पुरुष जो आए, सुरक्षित नहीं असनानागार, कोई नहीं है पहरेदार, जया विजया ने जब समझाई, उमा ने मूर्ति में डाले प्राण, प्रकट हुए गणेश भगवान, उमा ने पुत्र को देवर दान, दरवाजे पर उन्हें बिठाया, हाथ में उनके छड़ी थमाया, बोली सुन लो ध्यान लगाए, माता जी का सुन आदेश, द्वारपाल बन गए गणेश, भीड़ जुटी कैलाश पे भारी, पार्वती को जाकर लाओ, जाओ तनिक न देर लगाओ, शंकर जी का सुन आदेश, स्नानागार के पास में आए, श्री गणेश को द्वार पे पाए, दूत बोले अंदर जाने दो, यदि करना चाहे तू प्रवेश, क्रोधित होकर बोले गणेश, अंदर तुम्हें न जाने दूंगा, ललकारे माँ गौरी के सुत, क्रोधित हो गए शिव के दूत, बाल गणेश जी छड़ी उठाए, क्रोधित श्री गणेश से पाया न कोई पार, एक एक कर दूतों का करने लगे संहार,
मूर्छित कर देवों को गिराए, अंत में शिव जी त्रिशूल चलाए, कटाशीश मचा हाहाकार। कुपित हो गई पार्वती माता, सारे जग की भाग्य विधाता, देख के सभी देव घबराए, भेद हृदय का अपने खोली, क्रोध में पार्वती माँ बोली, यदि जीवित नहीं हुए गणेश सबका कर दूंगी संहार, महाप्रलय को रहो तैयार, ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए, हाथी का सिर काट के लाए, श्री गणेश के धड़ में लगाए, जीवित हो गए श्री गणेश। सब देवों ने दिया वरदान, प्रथम पूज्य हुए वीर बलवान, श्री गणेश का धरते ध्यान, दिन दुखियों के भाग्य विधाता, श्री गणेश जी सब सुख दाता, सब पे प्रभु जी कृपा बरसाते, जो भी लेते गणेश का नाम, बनते उनके बिगड़े काम, सबसे बड़े हैं गणपति देवा, ऋषि मुनि संत सभी कर सेवा, एक दंत शशि भाल गजानन, विघ्न विनाशक शुभ गुण कानन, पिंगल नयन विशाल शुंड धर, काम क्रोध मद लोभ को मारे, श्री गणेश भक्तों को तारे, जो भी करते इनकी भक्ति उनको अनुपम शक्ति, विघ्न हरता प्रभु आप हैं, काटे सकल कलेश, सारे कार्य को सिद्ध करे गौरी पुत्र गणेश, वक्र तुंड है प्रथम विनायक, श्री गणेश देवों के नायक, प्रकट हुए ले शेर सवारी, द्वितीय विनायक है एक दन, जिनका नहीं कोई आदि अंत, श्री गणेश की महिमा न्यारी, महोदर रूप है तृतीय विनायक, भक्त जनों के मंगल दायक, महोदर मोहासुर को मारे, चौथे विनायक देव गजानन, जो भी इनका करते दर्शन, उनको लोभ कभी न सताए, भक्त जनों को शुभ फलदायक, लंबोदर हैं पंच विनायक, ऋषि मुनियों के क्रोध को हरते, छठवा रूप विकट कहलाए, मोर पे आसन प्रभु लगाए, कह गए सभी ऋषि मुनि संत, सातवां विघ्न राज कहलाते, माया मोह को तन से मिटाते, सुंदर रूप लगे मन भावन, धूम्र वर्ण अष्टम अवतार, सारे जग के पालन हार, भक्तों को देते हैं ज्ञान, करके भक्ति गणेश मनावे, मनवांछित फल वो जन पावे, अमृत धारा की महिमा भारी, अमृत धारा जो सुने सुनाए, उनके कष्ट दूर हो जाए, श्री गणेश की जो आरती गाए, विघ्न हरण मंगल करण, श्री गणपति महाराज, दिल से पुकारो आपको, पूर्ण करो मेरे काज। गणपति।
पग बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तेरे चरण पखार, गौरी के नंदन करे हम वंदन, तेरे चरण पखार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे द्वार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे बातें तुमको पीले मोदक मुसे की सवारी भाए, मुसे की सवारी भाए। पान और फूल चढ़े हैं दुर्वा हो देवा, हो देवा। पान और फूल चढ़े हैं दुर्वा हो देवा। रिद्धि सिद्धि पत्नी संग में लगती अति प्यारी है, लगती अति प्यारी है। जोड़ी शुभ लाभ की निराली हो देवा, हो देवा। जोड़ी शुभ लाभ की निराली हो देवा। शंकर सुवन है मंगल मूर्ति, महिमा है इनकी अपरंपार। शंकर सुवन है मंगल मूर्ति, महिमा है इनकी अपरंपार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे द्वार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे करुणा सिंधु गणपति जी है। तन मन की पीड़ा हरते, तन मन की पीड़ा हरते। विघ्न बधाए सारी पल में टल जाए, टल जाए। विघ्न बधाए सारी पल में टल जाए। प्रथमे है पूजे जाते विद्या वै बुद्धि के दाता, विद्या वै बुद्धि के दाता। जिनकी कृपा से मिलता ज्ञान हो देवा, हो देवा। जिनकी कृपा से मिलता ज्ञान हो देवा। गण नायक है विघ्नों के हरता, जानता है ये सारा संसार। गण नायक है विघ्नों के हरता, जानता है ये सारा संसार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे द्वार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे देव लोक सारा तुमको ध्यावे। सिमरे तेरा नाम देवा, सिमरे तेरा नाम। भाग्यशाली है जो करे तेरी भक्ति हो देवा, ओ देवा। भाग्यशाली है जो करे तेरी भक्ति हो देवा।
जीवन सफल बनाते, हर मुश्किल आसान करते, हर मुश्किल आसान करते, देते हैं सबको कष्टों से मुक्ति हो देवा, देते हैं सबको कष्टों से मुक्ति हो देवा। श्रद्धा भक्ति से जो भी पूजे कर देते हैं उसका उद्धार, श्रद्धा भक्ति से जो भी पूजे कर देते हैं उसका उद्धार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे द्वार। सुख करता दुख हरता देवा, खड़े हैं हम आके तेरे गजानन प्यारे, आओ गजानन प्यारे, हे गिरिजा के दुलारे, आओ गजानन प्यारे, हे गिरिजा के दुलारे, सब देवन में देव कहाए, सब देवन में देव कहाए, पूजूं 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 मैं चरण तुम्हारे, गिरिजा के दुलारे, हरी हरी दुर्वा तुमको चढ़ाए, हरी हरी दुर्वा तुमको चढ़ाए, चंदन 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 झूला डारे, ओ गिरिजा के दुलारे, लड्डुवन का हम भोग लगाए, लड्डुवन का हम भोग लगाए, पलक 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 पाँव पर डारे, गिरिजा के दुलारे, मनाए आसन लगाए, तुमको मनाए आसन लगाए, भक्त 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 तुमको पुकारे, गिरिजा के दुलारे,
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले हम गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छूले हम हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपति जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपति जी विधि सिद्धि संग लेके प्रभु जी आ जाना विधि सिद्धि संग लेके प्रभु जी आ जाना आके मेरे सवारो काज ओ प्यारे गणपति जी मेरे घर तुमको बुलाऊं चरणों में तेरे शीश झुकाऊं भक्ति भाव से तुमको बुलाऊं चरणों में तेरे शीश झुकाऊं भक्ति भाव से तुझको बुलाऊं चरणों में तेरे शीश झुकाऊं सब देवों के सरताज ओ प्यारे गणपति जी मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपति जी
सबसे न्यारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। पर तिल
सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। मंगल करता विघ्न विनाशक, मंगल करता विघ्न विनाशक, शिव जी की संतान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही दोनों पुत्रों को बुलाए, शंभुदानी समझाए, पहले हो शादी किसकी, हमने है नियम बनाए, दोनों प्राणों से प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे,
सुन लो तुम शर्त हमारी, जो जीते बाजी मारे। कैसी शर्त रखे शिव शंभु, कैसी शर्त रखे शिव शंभु, सुनो लगा कर ध्यान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, ये थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी। ये सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मुसक सवारी के साथ में इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले कैसे आ पाऊंगा। तब गणेश जी ने चतुराई से काम लिया और अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए क्या किया, आइए सुनते हैं। गजानन घर को आए, तनिक ना देर लगाए, वो आसन सुंदर बिछा कर पिता माता को बिठाए। चरणों में शीश झुकाए, वो 56 भोग लगाए, पिता माता की परिक्रमा करके गणपति हर्षाए। शुभ विवाह पहले हो मेरा, शुभ विवाह पहले हो मेरा, मांगे ये वरदान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। सोचते हैं और फिर अपने माता पिताजी की विधिवत पूजन करके दोनों की 7 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, लीजिए मेरी परिक्रमा तो हो गई। तब शंकर जी पूछते हैं, पुत्र गणेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई, कार्तिकेय तो अभी आया नहीं और तुमने 7 बार परिक्रमा कर ली और वो भी इस पृथ्वी की। तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जल्दी आओ, अगर कार्तिकेय पहले आ गया तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। फिर तुम मुझसे मत कहना कि पिताजी आपने कार्तिकेय की शादी पहले कर दी, मैं वचनबद्ध हूँ बालक। ये सुनकर भगवान श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का फिर से इस्तेमाल किया और आगे क्या किया, आगे की कथा में हम आपको सुना रहे हैं। गजानन बोले पिताश्री, बात ये मेरी सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। पिता माता की परिक्रमा जो कोई करके आए, पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। मैंने पढ़ी ये सारी बातें,
मैंने पढ़ी ये सारी बातें कहते वेद पुराण। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, के प्रति भगवान श्री गणेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बात को कैसे टालते। वो गणेश की शादी पहले करने के लिए राजी हो गए। भगवान शंकर ने भी सोचा पुत्र गणेश की बात एकदम सही है, तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं। जो माता पिता को पूछते हैं उनको किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत विश्वरूप जी को बुलवाया और उनकी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली सारे देवी देवता खुशी से झूम उठे और अंबर से फूल बरसाने लगे। आखिर भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी की शादी जो हो रही थी, भगवान भोलेनाथ की ओर से सभी देवी देवताओं को नए निमंत्रण भेजा गया कि आप सभी आएं और वर वधु को अपना आशीर्वाद दें। और उधर रिद्धि और सिद्धि भी अपना विवाह भगवान श्री गणेश के साथ तय सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हाय हाय हाय, आखिरकार भगवान श्री गणेश उनके पति जो बनने जा रहे थे। देव दानव सब आए, अप्सरा नृत्य दिखाए, शादी की हुई तैयारी, सज रहे गणपति प्यारे। दूल्हा बन गणपति आए, रिद्धि सिद्धि मन भाए, शादी संपन्न हो गई, देवता फूल बरसाए। रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित, रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित हुए गणेश भगवान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। प्रिय श्रोता, इस कहानी से हमें भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमता का तो पता चला ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गणेश ने भी इस पूर्ण सृष्टि से भी ऊपर अपने माता पिता को रखा। और जो लोग अपने माता पिता को भगवान से ऊपर रखते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं। और इसीलिए हम सबको भी अपने माता पिता जी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। जय श्री गणेश। बोलिए प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के स्वामी माँ गौरा के लाल, शिव की आंखों के तारे भगवान गणेश की। बुधवार दिन श्री गणेश का, बुधवार दिन श्री गणेश का, शिव पुत्र कहलाते हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। बुधवार दिन श्री गणेश का, शिव पुत्र कहलाते हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते।
भक्त वत्सल, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अलग अलग अवतार धारण किए। तो आइए भक्तों, श्री गणेश जी का ध्यान धरते हुए सुनते हैं उनके प्रथम अवतार वक्रतुंड की पावन कथा। एक मत्सर सुर था दैत्य, वो बड़ा ही अत्याचारी। वो दैत्यों का बना राजा, किए जाता पाप वो भारी। किया स्वर्ग लोक पे कब्जा, सब देवता उससे हारे। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी शंकर की शरण पधारे, शंकर की शरण पधारे, शंकर की शरण पधारे। जब शिव से युद्ध हुआ था तब दैत्य हार ना पाया। फिर दत्तात्रेय ने आकर वहाँ वक्रतुंड बुलवाया। वो दैत्य लगा था कांपने, मेरी जान बख्श दो देवा। मैं हार गया हूँ तुमसे, मुझे क्षमा करो हे देवा। वक्रतुंड की करे स्तुति, वक्रतुंड की करे स्तुति। देवता शीश झुकाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। भक्तों, इसी तरह मदासुर का अंत करने हेतु देव गजानन भगवान ने एक दंत का रूप धारण किया। तो आइए सुनते हैं कैसे एक दंत बनकर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने मदासुर को हराकर देवों का रक्षण किया। चवन ऋषि का पुत्र था नाम मदासुर उसका। देवों को बस दुख देना एक काम यही था जिसका। फिर इंद्र को जीता था, धरती से धर्म मिटाया। फिर संत कुमार से मिलके देवों ने दर्द सुनाया, देवों ने दर्द सुनाया, देवों ने दर्द सुनाया। एक दयावंत ही सबके है दुखड़े हरने वाले। है मूसा उनकी सवारी, वो कृपा करने वाले। वो दैत्य मदासुर पकड़ा, एक दंत ने ऐसा मारा। वो चरणों में गिर बोला, मैं सेवक रहूं तुम्हारा। सब देवों का एक दंत जी, सब देवों का एक दंत जी। निर्भय आप बनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं भक्तों, किस तरह महोदर का रूप धारण कर भगवान श्री गणेश जी ने मोहासुर दैत्य का अंत कर किस तरह से देवी देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। गणपत का नाम महोदर, ये नाम बड़ा ही प्यारा। देवों पे दुख आते ही भगवान ने आके उबारा। एक मोहासुर दैत्य ने जब तीनों लोक हरे थे, उस मोहासुर के दुख से सब देवता सारे डरे थे, सब देवता सारे डरे थे, सब देवता सारे डरे थे। जब देव ऋषि नारद ने उस दैत्य को समझाया, ले शरण महोदर जी की जो काल तेरा बन आया। कहा मोहासुर ने फिर, हुई गलती मुझसे भारी। अपराध क्षमा हो मेरा, मैं रहूंगा आज्ञाकारी। कृपालु मेरे देव महोदर, कृपालु मेरे देव महोदर। शांत वहीं हो जाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। अपने चौथे अवतार में भगवान श्री गणेश जी ने गजानन का रूप धारण किया भक्तों, और लोभासुर दैत्य से देवी देवताओं का रक्षण किया।
लोभासुर ने तप कर अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त की, परंतु देव गजानन से हार गया। है चौथा रूप गजानन मेरे प्यारे गौरी नंदन, श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं आपका वंदन। एक दैत्य लोभासुर था, वर उसने शिव से पाया, बस इसका फायदा उठा के शिव भोले को ही हराया। शिव भोले को ही हराया, शिव भोले को ही हराया। कैलाश छोड़ गए भोला, खुश लोभासुर बड़ा पापी, दुख हरो गजानन हमरे, सब करते देव स्तुति। जब लोभासुर ने जाना, हुआ गजानन का आना, लगा चरण वंदना करने, किया पाप जो उसने माना, भेज दिया पाताल में उसको, भेज दिया पाताल में उसको, गणपत मेर फिराते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। आइए भक्तों, अब सुनाता हूँ मूषक वाहन पर सवार भगवान श्री गणेश के पंचम अवतार लंबोदर की कथा। किस तरह लंबोदर के रूप में भगवान श्री गणेश ने क्रोधासुर का अंत कर इस सृष्टि को उसके संतापों से मुक्त किया था। लंबोदर रूप है पंचम, है मूषक वाहन प्यारा, जब देवों पे दुख आया भव सागर पार उतारा। एक क्रोधासुर राक्षस ने था सूर्य लोक को जीता, किया पृथ्वी पर भी कब्जा, सब समय पाप में बीता, सब समय पाप में बीता, सब समय पाप में बीता। वैकुंठ धाम कैलाशी आधीन हुए जब सारे, फिर देवता लोगों ने मिलके लंबोदर प्रभु पुकारे। वहाँ भीषण युद्ध हुआ था और दैत्य की हार हुई थी, वो दास बना चरणों का तब नैया पार हुई थी। लंबोदर भगवान प्रभु का, लंबोदर भगवान प्रभु का, गुण गान सब गाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। भगवान श्री गणेश के छठे अवतार का नाम विकट है भक्तों, ये मयूर की सवारी करते हैं और इन्होंने कामासुर नामक दैत्य का अंत कर इस सृष्टि को पाप तापों से मुक्त किया था और कामासुर ने उनसे हार मान ली। छठे रूप का नाम विकट है, जो करते मयूर सवारी, करती है प्रथम पूजा सारी ही दुनियादारी। एक कामासुर दैत्य की रतीद बनी रजधानी, सब उससे घबराते थे, वो पापी था अभिमानी, वो पापी था अभिमानी, वो पापी था अभिमानी। उस कामासुर के आगे कोई दैत्य ठहर ना पाया, फिर विकट प्रभु जी आए, धीरज तब आप बंधाया। वहाँ युद्ध हुआ दोनों में, तब कामासुर ही हारा, मुझे क्षमा करो हे देवा, वह बनकर खड़ा बेचारा। भय मुक्त हुए देव मुनि सब, भय मुक्त हुए देव मुनि, और तप में ध्यान लगाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। अपने सप्तम रूप में भगवान श्री गणेश जी ने विघ्नराज का रूप धारण किया भक्तों, और अत्यंत शक्तिशाली पाताल लोक तक जीतने वाले दैत्य ममतासुर का विनाश कर उसकी कैद से देवी देवताओं को मुक्त करवाया।
का रूप है सप्तम है विघ्न राज कहलाता है शेष वाहन चलते है भक्त जनों से नाता वर ममता सुर ने पाया बन बैठा वो महापापी पाताल तलक तो जीता थी पापों की चालाकी बह चली रक्त की नदियाँ जब युद्ध हुआ इंद्र से लिया बंदी बना देवों को खुद ताकत और छल बल से फिर देवों ने की पूजा हे विघ्न राज जी आवो करो सर्वनाश असुर का हम सब की लाज बचाओ विघ्न राज तो ममता सुर को विघ्न राज तो ममता सुर को क्षण में धूल चटाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते दैत्य अहंता सुर के आतंक से मुक्त कराने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने अपने आठवें अवतार में धूम्रवर्ण का रूप धारण किया और अहंतासुर को अपने शरणागत कर देवी देवताओं को उसके पाप ताप से बचाया। अभिमान का नाशक बनता है धूम्रवर्ण अवतार है इनका मूषक वाहन करे भक्त जनन को पार वर मांगा अहंतासुर ने मेरी हार कभी ना होए मैं जो चाहूँ हो जाए मुझे रोक सके ना कोई मुझे रोक सके ना कोई मुझे रोक सके ना कोई सर्वत्र पाप बढ़ा तो अन्याय का बोल बाला देवों ने धूम्रवर्ण को ये दुखड़ा कह ही डाला हुए क्रोधित भगवान दैत्य को फिर उन्होंने सबक सिखाया जय घोष लगा वो करने फिर मस्तक नहीं उठाया अभय दान दिया दैत्य को भी अभय दान दिया दैत्य को भी मंद मंद मुस्काते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते। तो देखा आपने भक्तों किस तरह भगवान श्री गणेश ने आठ अवतार धारण कर अपने भक्तों की रक्षा करी। ऐसे ही भक्तवत्सल भगवान श्री गणेश का जो भी सच्चे हृदय से नाम उच्चारण करता है उनकी कृपा का वो पात्र बन जाता है। शिव पुत्र गौरी नंदन है विघ्न विनाशक दाता ना खाली गया शरण से जो इच्छा लेकर आता कोई सिद्ध विनायक कहता कोई कहता श्री गणेशा है माता पार्वती जी और पिता है इनके महेशा और पिता है इनके महेशा और पिता है इनके महेशा है बारह नाम प्रभु के जो लगता जिसको प्यारा वो उसकी माला जपता भगवान ने पार उतारा सुबह शाम दोपहर जो ढाए वो मन वांछित फल पाए ना होता भय विघ्न का सुख समृद्धि घर में आए गणपति स्रोत जाप से सब गणपति स्रोत जाप से सब सुख सारे मिल जाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते हम पावन कथा सुनाते। भगवान शिव ने उनकी मात्र पितृ भक्ति देखकर उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया था भक्तों। इसीलिए सबसे पहले हर शुभ कार्य में भगवान श्री गणेश जी का नाम प्रथम रूप से लिया जाता है उन्हीं का ध्यान प्रथम रूप से किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सर्व पूज्य है सिद्ध बुद्धि के संग में दिन पूजा का है प्यारा सब देव रंगे हैं रंग में श्री गणपत जी का सुमिरन
श्री नारद ने फरमाया धन आयु सिद्धिदायक ये प्रिय नाम है बताया, ये प्रिय नाम है बताया, ये प्रिय नाम है बताया। ना इसमें संशय कोई मेरे गणपत परम दयालु करे सफल मनोरथ सबके करे कृपा नित कृपालु। दुख भंजन है श्री देवा संग रहे लक्ष्मी माता है उसके साथ सदा ही जो जोड़े मन से नाता। सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक बिगड़े काज बनाते हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। तो आइए भक्तों हम भी प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान धर उनके आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कर उन्हें मोदक भोग समर्पित करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जो करे आरती निश दिन माँ गौरी के नंदन की अमृत की बरसे धारा मिल प्रीति गजवंदन की। है ऐसे देव गणेशा शरणागत के रखवारे जप करने से दे सिद्धि भगतन के काज सवारे, भगतन के काज सवारे, भगतन के काज सवारे। है विमल बुद्धि के दाता ये दुनिया कहती सारी है शिव गौरा के नंदन विघहरता है हितकारी। ये सत्य बात कमल सिंह मेरे गुरु करण सिंह कहते भक्तों के संग गजानन बनकर सहायक रहते। मुँह से परनित चलने वाले, मुँह से परनित चलने वाले मोदक भोग लगाते हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते, हम पावन कथा सुनाते। मेरी लाज रख
करता है गणपति महाराज। सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करे काज। सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करे काज। विघ्न के हरता मंगल करता है गणपति महाराज। विघ्न के हरता मंगल करता है गणपति महाराज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करे काज। गणपति महाराज आपकी जय। गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज आपकी जय। गणपति महाराज। सभी देवता पहले गणपति पूजे जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं शुभ मंगल ही कराते हैं। सभी देवताओं से पहले गणपति पूजे जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं शुभ मंगल ही कराते हैं। भोग लड्डुवन का जो भी लगाए मनोरथ उसके पूर्ण हो जाए। दंत दयावंत प्रभु मूसक पर रहे विराज। एक दंत दयावंत प्रभु मूसक पर रहे विराज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज। आपकी जय गणपति महाराज। शिवजी ने गणपति जी का सर काट दिया। व्याकुल हुई माँ पार्वती, तब शिवजी ने एक जतन किया। क्रोधित होकर शिवजी ने गणपति जी का सर काट दिया। व्याकुल हुई माँ पार्वती, तब शिवजी ने एक जतन किया। मस्तक हाथी का मंगवाए और गणपति के धड़ पे लगाए। मस्तक हाथी का मंगवाए। गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज। हुआ गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज। आपकी जय गणपति महाराज। लगाने थे मात पिता की कर परिक्रमा, गणपति बड़े सयाने थे। शादी है तो पूरी पृथ्वी के चक्कर साथ लगाने थे। मात पिता की कर परिक्रमा, गणपति बड़े सयाने थे। शिव जी गणपति पे हर्षाए, रिद्धि सिद्धि से शादी कराए। शिव जी गणपति पे हर्षाए, रिद्धि सिद्धि से शादी। सदन गज बदन विनायक जग पे आपका राज। सिद्धि सदन गज बदन विनायक जग पे आपका राज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए।
गणपति महाराज आपकी जय गणपति महाराज विश्वास लिए सब द्वार तुम्हारे आते हैं आपकी कृपा से भक्त सभी बिन मांगे सब कुछ पाते हैं श्रद्धा और विश्वास लिए सब द्वार तुम्हारे आते हैं आपकी कृपा से भक्त सभी बिन मांगे सब कुछ पाते हैं करते हो मूषक की सवारी लीला बप्पा तुम्हारी न्यारी करू कर जोड़ के हे देव